लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ क्रिस्पी पराठा, जो आप रोल भी बना सकते हैं, चिकन रोल बना सकते हैं। इस पराठे से आप चनों के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी सालन के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये। मैंने तकरीबन 1 किलो फरिन लिया है, मैदा लिया है, ये मैं अपने बाउल में डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून ही नमक डालूंगी। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। आप अपने मैदे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें। अब मैं नॉर्मल पानी से इसको गूंद लूँगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ऑयल, अब मैं इसे नॉर्मल पानी से गूंद लूँगी। जैसे आम आटा गूंदता है वैसे ही इसे गूंदा जाएगा। हमारा आटा बहुत अच्छे से गूंद गया है, बहुत मुलायम। अब हम इसको ढक देंगे, किसी भी चीज़ से आप ढक सकते हैं। शक ये फिले कर दें इसे, या आप प्लेट से ढक दें इसको। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, इसके बाद हम इसके पराठे तैयार करते हैं। 20 मिनट हो गए गूंदे हुए को। अब मैं ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। पेड़े बहुत बड़े, ज़्यादा नहीं बनाने, बस दरमियाने साइज के पेड़े बनाने हैं। ये बस इतना पेड़ा बनाना है। ऐसे ही हम अपने सारे पेड़ तैयार कर लेते हैं, जितने भी आप हमें चाहिए बना लिए। इधर मैंने साइज के पेड़े हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने। अब हम इसके पराठे तैयार करते हैं। इसको बेल लेंगे, ऐसे बेल लेना इसको। अब हम इसको तले पे डालते हैं, थोड़ा सा सिल कर सकते हैं आप ऐसे। ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। मैंने चूंटे के ऊपर डाल के थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के दोनों तरफ हम इसको बना लेंगे। पराठा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम इसको डाल देते हैं, ऐसे ही हम अपने सारे पराठे तैयार करेंगे। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता ज़ीरा पराठा तैयार हो गए हैं। आप जिससे चाहे खा सकते हैं, बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।